जोड़ा जेड़ा चीज हुंदी है गोड़ दे पैर नू कहंदे आ। सब तो पहला जो आपां मार्केट जिहनूं बाय लै करके लैके आने आ इह भुन्ने हुंदे आ काले रंग दे ज्यादा हुंदे आ। दो तो तीन वारी दा प्रोसैस हुंदा उहनूं चंगी तरह साफ करन दा। फिर इहनूं कूकर च हल्दी नमक थोड़ा टमाटर प्याज के नाल अदरक हरी मिर्च के नाल इहनूं बॉयल किया जाता है। इहदा इक्को ही इहदी रैसपी है, इहदी होर कोई नहीं प्रोसैस हैगा। इक्को ही प्रोसैस हैगा प्रैशर कूकर। जदों भाजी ये कूकर च असीं इहनां नूं रखी दा पहली विसल आउंदी है तकरीबन डिपेंड करता किन्ना साइज हैगा। जदों भी प्रोपर इहनूं बनाउणा होवे पहली विसल तो आउण तो बाद ना 40-45 मिनट्स कैंडल लाइट थले कर दईदा। जो एक घंटे बाद तकरीबन 40-45 मिनट बाद असीं इहनूं ऑफ कर दईदा तो इहनूं अभी जो प्रैशर हुंदा अपने आप जो निकलता वो प्रैशर नूं भी तकरीबन अद्धा घंटा लग जांदा 20-25 मिनट लग जांदे निकलन लग्या। जदों निकल जांदा ना फिर आपां चैक करीदा। जरूरी नहीं हुंदी कि सारे खरोड़े गल जाण, कुछ भी जो 2-4-5 मामूली गल है कोई ना कोई सख्त रह जांदा उसनूं आपां सैपरेट कर लईदा। जिहड़े गल गए हुंदे आ उहनां नूं आपां टेकआउट कर लईदा सूप चों। तो उस तो बाद असीं ना अपने टमाटर प्याज का थोड़ा जिहा तड़का मारीदा देसी घ्यो दे विच दही दे नाल। उहदे विच फिर जिहड़ा स्टॉक हुंदा इहनूं आपां इहदा शोरबा तैयार करीदा उह अगे आपां सैल करीदा। ਭਾਜੀ ਐਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਖਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰੀਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਰੋੜੇ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਓ ਜਾਂ ਖਰੋੜੇ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ।